उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की पुलिस के रवैये को कई बार कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन इस बार जो सामने आया है उसने गाजियाबाद की पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद पुलिस का शर्मनाक चेहरा, खाकी ने किया शर्मसार। यूपी पुलिस की दबंग गई, युवक को मारे लात घूंसे, लात घूंसों के बाद की वसूली, महिला को जबरन घसीटा, महिला के साथ बदसलूकी। यूपी पुलिस के ठेंगे पर है कानून। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तस्वीरें बोल रही हैं और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। यूपी पुलिस ने किस तरह कानून का मजाक उड़ाया है आप भी देखिए। ये तस्वीर गाजियाबाद के नए बस अड्डे की है, जहाँ कुछ पुलिसकर्मी लात घूंसों से एक युवक को पीट रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस वाले किस कदर बेगुनाह को जूतों से पीट रहे हैं। ये मारपीट वसूली के लिए की जाती है। एक आदमी लेटा हुआ था, पुलिस वाले उसको लात से मार मार के उठा रहे थे, तो भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने काफी मतलब बुरी तरीके से मारा। पैसे वैसे भी उसके कुछ लिए कुछ टटोल लेते, उनकी जेब वेब भी टटोल लेते पुलिस वाले, और लात पैर हाथ पैर से मतलब मार के उठाते, लात मारे थे उसको बार बार। मतलब कि उस लड़के को मारा है इन्होंने, और पुलिस वालों ने पैसे वैसे भी निकाले, हमारे सामने निकाले हैं, मोबाइल वोबाइल भी निकाल लिया और उसे लेके थाने की तरफ लेके चले गए। दूसरी तस्वीर में भी आप यूपी पुलिस की दबंगई साफ देख सकते हैं। ये तस्वीर वैशाली सेक्टर 4 की है, जहां पुलिस वाले महिला को जबरन घसीट कर ले जा रहे हैं। महिला एसपी जिला सचिव राजकुमार यादव की पड़ोसी हैं। दरअसल नेताजी की पत्नी से महिला का विवाद हो गया, जिसके बाद नेताजी ने सत्ता का रौब दिखाते हुए पुलिस को इत्तला कर दी। और गायब गाय आते के जाते गालियां विस्तार करती रहती है। मैं अवॉइड करता रहा, आज इतना आगे मेरे ऑफिस से हंगामा कर रहा। आज क्या हुआ यहाँ थाने में? क्या हुआ थाने में आया तो मैं अपनी वाइफ और तमाम मोहल्ले के लोगों के साथ, तो इतने आके यहाँ पे जो अब मैं हाथ खा गई मेरी वाइफ का, पुलिस के सामने पिटाई की है। पुलिस के सामने महिला आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जल्द पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें अभी हमें मीडिया के द्वारा पता लगा है और हम इसकी जांच कराएंगे, एसएसपी साहब से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और अगर ये सच्चाई है, अगर इस तरह हुआ है उस महिला के साथ, तो जरूर कार्रवाई होगी। सरेआम खाकी को शर्मसार और वर्दी का मजाक उड़ाने वाले दोषियों पर कार्रवाई कब तक होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर अहम सवाल ये है कि आखिर सत्ता का नशा और वर्दी का रौब जो सिर चढ़कर बोलता है, कब तक कानून की धज्जियां उड़ाता रहेगा। गाजियाबाद से सना के लिए दीपक कुमार।